मैसूर में स्पॉट है ज्योति केआरएस नाम से फेमस है, केआरएस फिशिंग कैंप के नाम से फेमस है। तो चलिए ट्रिप हम कर देते हैं ज़ीरो। ट्रिप हमने एक ज़ीरो कर दी है। ऑलमोस्ट यहाँ से 163 किलोमीटर दिखा रहा है। पहुँचते पहुँचते हमें शायद 12 बज जाएंगे, 11:55 का अराइवल दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट 2 घंटा 55 मिनट दिखा रहा है। आई थिंक सुबह है तो ट्रक्स का जाम रहेगा ही। हेलो, ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं। हम ऑलमोस्ट टाइम पे पहुंच गए थे, 12:05 पे हम पहुंच गए थे, बट हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए क्योंकि एक तो हमारा टेंट का पहला टाइम था और हवा इतनी चल रही है कि हमें संभालना ही मुश्किल हो गया। तो अभी सब सेटअप है, देखना है आपको, चलिए दिखाते हैं। तो आप गाड़ी हमारी देख ही चुके हैं और ये हमारा डिकैथलॉन का है 4% टेंट। ये है हमारा बालकनी छोटी सी और ये हमारा सामान खाने का थोड़ा कम लाए थे रस्ते के लिए और हम बस एक ही बैग लाए थे इस बार, इसमें सारा सामान बनाने का। और ये हम अंदर का रूम है जो हमारा, जिसको बोल सकते हैं बेडरूम। तो ये हमारा गद्दा है जो हम घर से लाए थे, जिसको हमने इंफ्लेट कर लिया है। और यहाँ पे हमारा प्लान है 2 दिन रुकने का, तो इसलिए हमने थोड़ा काम धाम ज़्यादा किया है। खाने वाने का सामान हम लाए हैं, देखते हैं हम कितना बनता है, कितना यहाँ पे बनाते हैं। थोड़ा भी दिया गया है तो ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमें लगा था ये कॉम्प्लीमेंट्री है बट कोई नहीं, काफ़ी लग रही है। हमने सब भी पूरी और आलू खाए थे, तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट खाते हैं।
बता दूँ। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और रात में हम सो रहे थे। स्पॉटिफाई में एक सीरीज़ थी, टाइम ट्रैवलिंग और थ्रिलर थी। ऑलमोस्ट 8 घंटे की सीरीज़ थी। हम 11:30 बजे आई थिंक सो रहे थे। तो चलिए फटाफट उठते हैं। वेदर और मौसम कुछ बहुत ही अच्छा था, तो मैंने सोचा अभी कैमरा ऑन नहीं करते हैं, अभी थोड़ा नेचर को एंजॉय करते हैं। तो बस मैं बैठा हुआ था अपनी सीट पे और सामने का व्यू देख रहा था। तो बस आज ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद मैसूर ले कुछ आई थिंक वृंदावन गार्डन है यहाँ पे। तो वृंदावन गार्डन है और एक लेक है, वाटरफॉल है, मतलब लेक तो नहीं है, वाटरफॉल है बालमोली, वो देखते हैं, इंजॉय करते हैं, चलते हैं दिन में। तो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा गार्डन, जो कि थोड़ा सा वाटरफॉल और बीच में सीढ़ियां हैं बैठने के लिए, और राइट में आपको डैम दिखेगा एक बड़ा सा, जो कि मैसूर का एक फेमस डैम है। यहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन भी होता है, आज पता नहीं क्योंकि सैटरडे है संडे है, तो या तो सैटरडे होता है या संडे होता है, तो वो कन्फर्म नहीं है, बट आई थिंक इवनिंग में होता है 7 बजे।
चलिए स्टोव चालू कर लेते हैं हम फटाफट पहले, ताकि हमारा पानी बॉयल होता रहे इसमें। तो ये है रैबिट कॉफ़ी जो कि बीन की कंपनी से है, तो इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं हम। तो हम 5 मिनट से वेट कर रहे थे और पानी उबल नहीं रहा था, तो हमने देखा कि क्यों नहीं उबल रहा और गैस बची हुई थी, तो पता चला हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो चलिए रीफिल करते हैं उसको फटाफट। चलिए पानी उबल गया है हमारा और ये हमारा शीशा था जो हमने आपको बताया था, तो इसको फटाफट क्लियर कर लेते हैं और ये हम जेब में डाल लेते हैं। वो